आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक और रोमांचक कहानी दिखाने ले चलता हूँ। ये कहानी अंडमान राज्य के नीलम गांव के दो दोस्तों की है, ध्रुव और शना। वो दोनों खेलते खेलते गांव के जंगल में बहुत दूर आ जाते हैं। तभी उन लोगों को एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। शना हूँ और मैं ध्रुव की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये जगह कितनी डरावनी है ध्रुव, ऐसा लग रहा है यहाँ पहले कभी कोई भी नहीं आया है। तुम ऐसे ही डर रही, यही तो देखने आए हैं हम लोग। वो दोनों हवेली के एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। शना एक पुरानी किताब उठाकर अपने साथ ले आती है और दोनों उसे पढ़ते और तभी एक सोती हुई आत्मा जो अमावस्या की रात में बाहर आएगी। उन दोनों को अपने पास अजीब सी आवाज सुनाई देती है और कमरे की सारी चीजें डरावनी दिखने लगती है। ध्रुव, ये वही आत्मा है, हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी यहाँ से निकलो शना। वो दोनों भागकर एक हॉल में आते हैं और अपने सामने आत्मा को देख के बहुत डर जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, भागो तेज, बचाओ, भागो तेज, भागो। वो दोनों हवेली के बाहर भाग के बहुत दूर आ जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं और दोबारा ऐसी अनजान जगह नहीं जाएंगे वचन लेते हैं।